उज्जैन जिले के नागदा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां हिंदू संगठन ने कार्यकर्ताओं ने निजामुद्दीन एक्सप्रेस से युवती और युवक को पकड़ा है और जीआरपी थाने लेकर पहुंचे, जहां पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गुरुवार की रात को नागदा पहुंचे निजामुद्दीन एक्सप्रेस से युवक युवती को पकड़ा। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। जब कार्यकर्ता युवक युवती को लेकर आरपीएफ थाने पहुंचे तो वहां पदस्थ महिला एसआई ने कार्यकर्ता को बताया कि युवक आरपीएफ जवान के परिवार से जुड़ा है तो वह मामला देख लेंगे। इस बात पर कार्यकर्ता नाराज हो गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद मामला जीआरपी भेजा गया, जहां रात 10 बजे तक मामले में तस्दीक की गई। युवक के परिजनों से चर्चा होने के बाद उन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई तो उन्हें छोड़ दिया गया। हेलो, अरे यहाँ आओ ना यार, एक नंबर पेशेंट हो। अरे क्या खाना 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 खाते हो गए जीवन में। पंद्रह बारह बाईस को ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस में 12:15 में कुछ विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों द्वारा हमको खबर मिली, जिसमें एक लड़का और एक लड़की, जो लड़की हिंदू है तो जिस जो मुसलमान जाता है उसके द्वारा उसको दिल्ली ले जाया जा रहा है। तो उसको सूचना के आधार पर आरपीएफ और ताकत जीआरपी जो कि लाए थे, जो वरिष्ठ अधिकारियों को उसकी सूचना दी गई थी, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार दोनों लड़के लड़कों के माँ बाप से तस्दीक की गई। जो सही पाए गए, उन्होंने लड़की के पिता ने बताया सुरेंद्र सिंह ने कि मेरी लड़की जो इंदौर में जाप करती है, वो लड़का अपने अच्छे से जानता हूँ साजिद खान को, और मेरे आना जाना करता है। मेरी लड़की उसके साथ दोस्ती हो गई है और बाकी कोई खबर नहीं है, मेरी कोई शिकायत नहीं है। तस्दीक करने का लड़के के पिता द्वारा बताया स्थान पर इंदौर उसको भेजा गया।